मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मेरा पूजा अर्चना हो रहा है और आज है मेरी बेटी का पेपर। तो ये बोर्ड का पेपर है, तो यही मैं दही शक्कर इनको खिला रही हूँ। दही गुड़ है आई थिंक, तो दही इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुंह देख लीजिए इनका कैसा हो रहा। प्रणाम कर रही हैं, जा रही हैं पेपर देने। और इनसे पहले दौड़ते हुए बाबू जा रहा है, तो आप लोग इन पे अपना आशीर्वाद बनाइए और मतलब कि अच्छा अच्छा पेपर हो। तो अभी ये वीडियो जब जा रही है तो इनका दो पेपर ख़त्म, तीन पेपर ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लेट से ये वीडियो जा रही है क्योंकि जो है टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत पता नहीं क्यों नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो जाने में। उसके बाद दोनों लोग बाप बेटी जाते हैं और मेरा होने वाला है नाश्ता, तो बहुत देर से नाश्ता मैं कर रही हूँ। काफ़ी काम ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद मैं नाश्ता लगभग बज रहे होंगे, कितना बज रहा होगा, 7-10 बज रहा है जब मैं नाश्ता कर रही हूँ, बहुत देर हो गया। और इनको भी दही नहीं पसंद है, तो ये कह रहे हैं मम्मा इसको निकाल दो, इसे मैं नहीं खाऊँगा, और मैं ये आलू मटर की सूखी सब्जी और पराठा और दही, यही आज का मेरा ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर मिलती हूँ। और ये देखिए ब्रेकफास्ट होने के बाद थोड़ी देर हम बाहर धूप में बैठे थे, उसके बाद आ गए इनको नहलाने, क्योंकि बज चुके थे 12, तो नहाने का टाइम हो गया था बाबू का, और आ गई थी मैं बाबू को नहलाने के लिए। देखिए इनका नहाना धोना हो चुका था, उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, मैं थोड़ी देर आराम की फिर सो गई। तो फिर जो है मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, उसके बाद बालों में तेल लगाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं बाल एकदम चिपकू चिपकू से लग रहे हैं, और सर में हो रहा था दर्द, तो तेल लगा के थोड़ी देर जो है आराम करने लगी। उसके बाद मैं शाम हो गया था तो आ गए किचन में, तो बच्चे कहे मम्मी आज आलू का पराठा बनाइए, तो ठंडक में आलू का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, जो न्यू आलू होता है उसका पराठा बहुत मतलब अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए पराठा का बैटर जो एकदम बन के हो गया तैयार, तो चलिए मैं पराठा बना ले रही हूँ और देखिएगा कितना क्रंची पराठा बनेगा आप लोग। तो ये देखिए पराठा मेरा सिक रहा है, और पापा जी आलू का पराठा एक ही खाते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। स्टफिंग ज़्यादा भर दी हूँ तो थोड़ा सा फट गया पराठा, वैसे पराठा फटता नहीं है मेरा। और ये पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कचौड़ी से ज़्यादा अच्छा मुझे आलू का पराठा लगता, तो चलिए सारे पराठे को मैं सेक लेती हूँ। तो ये देखिए मैं पराठा बना लूँ, उसके बाद जो है सबको खिला दूँ और आप लोग को दिखा रूँ कितना अच्छा पराठा बना है। तो चलिए सारे पराठों को मैं सेक लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और फ्रेंड ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, क्योंकि मैं पराठा बनाने के बाद खाने पीने के बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, और मैं सोची वीडियो भी मैं जो है एंड नहीं की हूँ, तो मैं मॉर्निंग में फिर से शुरू कर दी थी उसी पर से वीडियो आगे। और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ मेरे चेहरे में कितनी सूजन है आँखों के नीचे, पता नहीं क्यों आजकल रात में सोती हूँ तो मॉर्निंग में उठती हूँ
तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, पैर में, और वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो और बता रही हूँ कि जो है इस कलर का, इस साड़ी का ब्लाउज़ था जो कि नहीं मिल रहा था, तो मैं ब्लू कलर का ब्लाउज़ डाल ली हूँ, क्योंकि आधी साड़ी ब्लू कलर की है, तो इसलिए ब्लू ब्लाउज भी इस पे चल रहा था। वही मैं आप लोगों से बता रही हूँ। उधर मेरी जो छोटी बिटिया बना रही ब्रेकफास्ट, तो ये कही मम्मा आज ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, इनको निकलना है बारात, तो जाना है बाहर, तो सुबह ही जाएंगे, क्योंकि बारात काफ़ी दूर जाएगी, तो सुबह ही निकलेंगे। और जाने से पहले मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर ली हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि अगर कोई घर से बाहर निकले, दूर जाए, तो उसके बाद नहाना नहीं चाहिए। और बच्चे भी नहीं नहाए, क्योंकि बच्चे दोपहर में नहाते हैं, और मेरा तो डेली का रूटीन है सुबह नहाना धोना पूजा पाठ, तो मेरा सारा सुबह का मॉर्निंग काम हो गया था, थोड़ा देर भी हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा बेटी से कि ब्रेकफास्ट तुम बना लो। तो आज इनका मन भी हो रहा था, कह रहे थी मम्मा मैं ब्रेड का एक ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और मैं आ गई हूँ इनको बाहर तक छोड़ने के लिए। एक कपड़ा भी लेके जा रहे हैं, तो वही कह रहे हैं आ जाओ बाहर तक, तो गेट तक मैं चली गई थी इनको छोड़ने। और इनसे पहले यहाँ पे बाबू पहुँच गया है, पापा की छड़ी लेके घूम रहा था। तो ये देखिए, इनको बाय बोल दूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ बाहर से हस्बैंड को छोड़ के, और ये जा रहा है कहीं बाहर, तो अब मैं जा रही हूँ धुली हूँ कपड़ा, उसको फैला दूँ, उसके बाद जो है हम लोग का हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो आज क्या क्या होने वाले हैं पूरे दिन और सब कुछ शेयर करूँगी, तो हो सकेगा तो आज जो है क्लीनिंग की वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे मैम ब्लू साड़ी में क्लीनिंग डस्टिंग की वीडियो बनाइए, तो कोशिश करूँगी। आज मैं साड़ी पहनी हूँ, अगर कोई और कारण नहीं हुआ तो ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगी, अपलोड करूँगी। तो आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो को खूब इंजॉय करिएगा, और वीडियो में बने रहिए, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए शेयर करते हैं क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, इनका ब्रेड हो रहा तैयार, और ब्रेड को जो है कटोरी से रख रख के ये जो है गोल गोल शेप में कट कर रही हैं। इधर मैं बाबू को दूध पिला रही हूँ, और बहुत ज़्यादा शरारत करता है ये दूध पीने के टाइम पे, दाल पीने के टाइम पे, कह रहा मैं पैर से मार के भी सारा दूध गिरा दूंगा, इतना शरारत करता है ये बच्चा। और यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का हो रहा ब्रेकफास्ट, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। इसकी रेसिपी मैंने ही शेयर की हूँ किसी और दिन, पहले हम लोग कहें कि चलो हम लोग खा के देखते हैं कैसा बना है, फिर किसी दिन रेसिपी शेयर करेंगे। वैसे बहुत ही अच्छा बना था, तो किसी और दिन मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। और फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार जो भी मेरी वीडियो को देख रहा होगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा, और जो बेल की घंटी होती है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा, उसे दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए नाश्ता पानी होने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा धूप में, और अपने बालों में कॉम कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं शैम्पू की थी मॉर्निंग में, और बहुत ज़्यादा रील भी आज मैं बनाई थी, क्योंकि बाल धुले थे, साड़ी पहनी थी, तो मैंने कहा कि चलो शैम्पू कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। फ्रेंड मैं बना रही हूँ आज तहरी, जिसके लिए मैं बीन्स ले ली हूँ, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, चावल धुल ली हूँ, जो भी सब्जी मेरे पास थी सब कुछ मैं वाश करके रख ली हूँ, झटपट से तहरी बना ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर हो चुका है, तो और काफ़ी दिन बाद मैं आज तहरी बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद। और थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दूँगी, तो बहुत यमी सिंपल सी तहरी बनी थी। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा,
और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए और फुल वॉच किया करिए फ्रेंड वीडियो को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग देखिए मेरी तहरी कैसी बनती है।